बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। भारतीय फौजों के हसास मालूमात लीक होने का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक फौजी अफसरों पर सोशल मीडिया पर हसास मालूमात लीक करने का इल्जाम है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में गैर मुल्की भी मौजूद थे। वाकई की तहकीकात जारी है। अफसरों को 14 साल तक कैद हो सकती है। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए आयद शराइत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवरुल हक पन्नू समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोजेदारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। ईद तक 10 किलो आटे का थैला 550 के बजाय 400 रुपए में मिलेगा। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए रियायती आटा और चीनी फराहम करने की हिदायत। पीटीआई के मीनारे पाकिस्तान पर 21 अप्रैल के जलसे की तैयारियां तेज। इमरान खान कहते हैं जुमेरात को लाहौर में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के मुकाम से जंग आज़ादी शुरू होगी। बैरूनी साजिश के जरिए करप्ट गुलामों को मुसल्लित किया जा रहा है। लाहौर में एक और घरेलू मुलाजमा की लाश मिल गई। लश्कर कॉलोनी में फंदा लगी लाश शनाख्त कोमल परवेज के नाम से हुई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कार्रवाई के बाद लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक ही रोज बड़ी कमी। बरतानवी ब्रेंट $6 सस्ता, फी बैरल कीमत $160 हो गई। अमरीकी WTI ऑयल $5.66 सस्ता, फी बैरल कीमत $102.50 रिकॉर्ड की गई। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।